नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। फर्जी ढंग से पुलिस बनकर वसूली कर रहे हैं चार गिरफ्तार। खबर है चंदौली से, जहां धीनी थाना क्षेत्र में फर्जी ढंग से पुलिस अधिकारी बनकर वसूली कर रहे थे। चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। जानकारी के अनुसार थाना धीनी क्षेत्र पर पुलिस कर्मियों की वसूली की छुट्टियां मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर वसूली करने वाले लोगों को दबोच लिया, जिनसे पूछताछ में फर्जी पुलिस वाले बनकर वसूली करने की बात बताई। पकड़े गए अभियुक्त गाजीपुर जनपद के निवासी, जिनके पास से एक कार, एक बिना प्लेट की मोटरसाइकिल, 68,190 रुपया बरामद है। पुलिस ने चार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। थाना धीना क्षेत्र में चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मुखबिर सूचना मिली थी कि वीर बहुरिया पुल के पास मौजी की तरफ कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। इस अवैध वसूली की सूचना पर पुलिस ने जब चेकिंग की तो चार लोगों को जो है पकड़ा और उनके पास से एक कार, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, चार मोबाइल सेट और 68,190 रुपये अवैध वसूली के बरामद किए गए। इनके विरुद्ध पूछताछ में मामला सही पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत करके उचित धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है। इनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अगर थाना या चौकी पुलिस के किसी भी पुलिसकर्मी की मिली भगत पाई जाती है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा जांच मुझे दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में अगर प्रकरण सही पाया जाता है तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।